Hi, this is Rekha Kakkar and welcome to my YouTube channel Easy Cooking with Rekha Kakkar. सर्दियों में एक चीज़ सबको काफ़ी पसंद आती है, वो है सूप। क्योंकि मैंने जब लास्ट वीक इंस्टाग्राम पेज पर लोगों से पूछा कि वो करी की रेसिपी देखना चाहते हैं या सूप की रेसिपी देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीक में, तो पॉपुलर चॉइस थी सूप। इसलिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक सूप रेसिपी जिसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। इनमें से एक जो है कम्प्लीटली वेजिटेरियन वर्जन है और सेकेंड उन लोगों के लिए जो अंडा भी खाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है हॉट एंड सॉर सूप, जो इंडो चाइनीज कुजीन से है। और दूसरा, जो अगर एग वाला वर्जन आप पसंद करते हैं, तो वो है एग ड्रॉप हॉट एंड सॉर सूप। तो चलिए देखते हैं इन दोनों मजेदार सूप्स की रेसिपी। तो सूप बनाने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए लेंगे एक पैन, उसमें हम वेजिटेबल ऑयल गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कनोला ऑयल लिया है। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, इसको हम हल्का हल्का सौते कर लेंगे। जब ये हल्का गुलाबी होगा, इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। कटे हुए अदरक और लहसुन मैंने इसमें डाल दिए। इसको भी हम इसके साथ मिक्स करके एक मिनट के लिए पका लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई सब्जियां। फ्रेंच बीन्स मैंने डाले हैं इसमें, बारीक कटे हुए गाजर, क्योंकि फ्रेंच बीन्स और गाजर को पकने में थोड़ा समय लगता है, तो सबसे पहले हम इनको डाल लेंगे। इसके बाद मैंने डाला इसमें कैबेज। सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे नहीं, बहुत बिल्कुल गलाना नहीं है। हल्का हल्का क्रंची टेस्ट जो सब्जियों का है इसमें काफी अच्छा आता है। पत्ता गोभी के बाद इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, लाल, हरी, पीली या मिक्स कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसको सीजन कर देंगे हम थोड़े से नमक के साथ, इसको थोड़ा तीखा करने के लिए। हॉट सूप है तो इसमें हम हॉट चिली सॉस डाल देंगे और इसमें डाल देंगे डार्क सोया सॉस। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पे आप चाहें तो वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं और पानी भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक से फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, मैंने लेकिन यहाँ पर पानी यूज़ किया है। तो सूप को हम एक बॉयल दिला लेंगे। ये सूप हमारा बॉयल हो गया, इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, जिसको कि मैंने पानी में पहले से घोल के रखा है। और इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे हम फ्रोजन कॉर्न। अगर आप फ्रेश कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले सब्जियाँ जब आप सौते कर रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं, और फ्रोजन कॉर्न आप इस समय बॉइलिंग के टाइम में डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा। सूप हल्का हल्का गाढ़ा हो गया, इसमें डालेंगे हम काली मिर्च। आप काली मिर्च या ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको हम फाइनली गार्निश करेंगे कटे हुए हरे प्याज के साथ। तो ये हमारा गर्मा गर्म हॉट एंड सॉर वेज सूप रेडी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। इसको एक बोल में डालिए और कटे हुए हरे प्याज से गार्निश करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको अंडा खाना पसंद है या आप अंडा खाते हैं और इसे एग ड्रॉप सूप बनाना चाहते हैं, तो हम इसे थोड़ा सा और बॉईल करेंगे करीबन 2 मिनट के लिए, और उसमें डाल देंगे फेंटा हुआ अंडा। मैंने यहाँ पर 2 अंडे फेंटे हैं और उसमें थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर उसको हल्का सा सीजन कर लिया है। और जो हमारा एग है, इसको हम स्पून से या चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इस सूप के अंदर डालते जाएंगे और एग साथ ही साथ पकता जाएगा। तो करीबन 2 मिनट में आप इसको एग को इसमें डाल देंगे और एग साथ साथ पक जाएगा। तो ये बन गया हमारा हॉट एंड सॉर एग ड्रॉप सूप। तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। एग इसमें कम्प्लीटली कुक हो गया है, काफ़ी क्रीमी, स्पाइसी और टेस्टी सूप है। आप इसे गर्मा गर्म एक बोल में डालिए और इसको गार्निश कीजिए कटे हुए हरे प्याज के साथ और सर्व कीजिए। आई होप आप इस सर्दियों में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है या वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।